दोस्तों इस वीडियो को देख लो ध्यान से, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए, अगर आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल ना होए तो मुझे डिसलाइक कर देना। सब कुछ प्रूफ के साथ बात करूंगा, आप लोग दे सकते हो लाइव प्रूफ। मैंने अपने मेन चैनल पर जिसका नाम है आदित्य माथुर, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इसमें देख सकते हो 2.3 मिलियन व्यू गया है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों अभी रिसेंटली की वीडियोस हैं, और मैं आपको इसका एनालिटिक्स दिखाता हूँ मैंने कैसे इस वीडियो को वायरल किया है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें 2.3 मिलियन व्यूज आया हुआ है, और इसी से एक वीडियो से मुझे दोस्तों, आप लोग दोस्तों एक सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो मेरा एक नहीं बढ़ रहा, 100 नहीं बढ़ रहा, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, जैसे मेरी वीडियो वायरल है 2.3 मिलियन व्यू गया है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मुझे एक ही वीडियो से 12,800 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो 12,800 सब्सक्राइबर्स मिला हुआ है। बाकी मैं यहाँ पर आपको इसका अर्निंग दिखाता हूँ, तो दोस्तों $11 की यहाँ पर इनकम हो चुकी है, लगभग $12 मानो, ठीक है। और इसका ऑडियंस रिटेंशन बहुत गजब का आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 34 सेकेंड, 87.3% यहाँ पर मुझे ऑडियंस रिटेंशन मिला हुआ है। दोस्तों वीडियो वायरल करने का आज मैं पूरा अच्छे से तरीका बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपकी वीडियो में अच्छा खासा बूस्ट होगा। अगर आपके 100 से 200 व्यूज आते हैं, तो आपके अब 1000 में 10,000 व्यूज, 20,000 व्यूज, इस टाइप का व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे का सहारा लेके अपनी वीडियोस को वायरल करोगे। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आप लोगों को, दोस्तों मजा आ जाएगा। और आप लोग देख सकते हो इस शॉर्ट वीडियो में 3.3 मिलियन मेरी लोगों के पास वीडियो गई है, 3.3 मिलियन, मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। और देख सकते हैं इसमें मुझे 2.3 मिलियन का व्यूज मिला है, तो मतलब दोस्तों मेरी वीडियो में दम था, तभी दोस्तों लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, ऑडियंस रिटेंशन इतना अच्छा गया। तो दोस्तों ये सब प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ, एंड मैं कैसे अपनी वीडियोस को वायरल करता हूँ सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको जो चीज मैं बताऊँ वो चीज आपको फॉलो करना है, और आपकी वीडियो दोस्तों वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कल के प्रमोशन विनर है, इनको जाके सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार प्रमोशन करता हूँ जब भी मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियो को, तो रोज शाम को 6 बजे वीडियो आती है, इनको मैंने सपोर्ट कर दिया, आप भी जाके सपोर्ट कर देना। एक लोग जब सपोर्ट करोगे तो दोस्तों उनके 500 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, अगर 500 लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग भी दोस्तों सपोर्ट करना। और अगर आपको अभी अपना चैनल प्रमोट करवाना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से आपको मेरी वीडियो को पूरा देख कर लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, मैं आपके चैनल को नेक्स्ट टाइम प्रमोट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी काम की बात तो कर ली थी, लेकिन वीडियो भी तो वायरल करना है, तो मैं आपको अब बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यूज का ऑप्शन दिख रहा होगा, मिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, मोनेटाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर फॉलो नहीं करोगे वीडियो कभी भी वायरल नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि आज आपको दूसरे का सहारा लेना है। कैसे, इसमें दूसरे का सहारा लेके आप अपनी वीडियो को वायरल करोगे। यहाँ पर मतलब कि कोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, लाइव का आ रहा है, कॉमेडी का आ रहा है, रिसेंटली अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स का एक ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि दोस्तों मेरे में ये शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरे में नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों एक और दूसरा जुगाड़ है, ठीक है, मेरे दूसरे फोन में दिख रहा था लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दूसरा जुगाड़ बताता हूँ। यहाँ पर जिसका ना दिख रहा हो, तो दोस्तों आपको सिंपली से अपना YouTube ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको एक, मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा अजीब टाइप से बना है, सर्कल टाइप का, इस पर आप क्लिक करोगे, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ट्रेंडिंग का, शॉपिंग का, म्यूजिक का, मूवीज का, ठीक है। ये तरीका दोस्तों मैं दूसरे टाइप का आज बताने वाला, दूसरे का आपको आज सहारा लेना है। ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी लॉन्ग वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको लॉन्ग वीडियोस से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आपको करनी है शॉर्ट वीडियो वायरल। तो शॉर्ट वीडियो जो ट्रेंडिंग में चल रही है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों ये एक ट्रेंडिंग वीडियो है शॉर्ट्स की, ठीक है, और ये मिस्टर इंडियन हैकर है, जो इन्होंने दोस्तों वीडियो अपलोड किया था एक दिन पहले, इनकी लॉन्ग वीडियो में 2.6 मिलियन व्यू आया है, लेकिन इनकी उसी वीडियो, दूसरी वीडियो वही वाली बिल्कुल सेम टू सेम बनाई, उसमें दोस्तों 4.2 मिलियन व्यू आया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो शॉर्ट्स का कितना ज्यादा रीच है। तो दोस्तों आप लोग को भी इन्हीं की शॉर्ट को मतलब कि दूसरे का एक सहारा लेके अपनी वीडियोस को वायरल करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, आपको क्या क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको सिंपली से इनके
एक शेयर वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक पे ऑप्शन एक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप कॉपी कर लोगे इनके लिंक को, तो फिर आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ प्ले स्टोर, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ प्ले स्टोर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर लिख दिया है और देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऐप ओपन हो चुका है। इस तरह से आपको भी दोस्तों एक चीज सर्च करना है, जो चीज मैं सर्च करूं तो आपको सिंपली से ऊपर सर्च बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना YT टूल्स, ठीक है, YTTOOLS, ठीक है, YT टूल आपको जैसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये देखिए एक लोगो है, ध्यान से पहचान लेना वरना आप दोस्तों अपनी वीडियो को वायरल नहीं कर पाओगे। दूसरा ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस नेम से बहुत सारे ऐप्स हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों मैंने YT टूल को डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना, ज्यादा MB का नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपने जो लिंक कॉपी की है ना उसको आपको यहाँ पर यूज करना है। एंटर अ वीडियो चैनल URL, यहाँ पर लिख के आ रहा है एंटर वीडियो चैनल URL, ठीक है। आपको अपने जो कॉपी की है ना दूसरी की वीडियो का लिंक, उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो आपको सिंपली से ऐसे करके क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, गो का ऑप्शन। तो गो वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बता रहा हूं, कहीं मत जाना इनका। देखिए टोटल एनालिटिक्स यहाँ पर खुल के आ चुका है इनके वीडियोस का। टोटल व्यूज इनको दोस्तों 4.2 मिलियन से भी ज्यादा मिले हैं, लाइक इतने मिले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है, तो दूसरे का सहारा लेना कैसे करना है सब देखो, ध्यान समझना। यहाँ से मेन काम चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से कॉपी टाइटल पे क्लिक कर देना, इनकी टाइटल को कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ इस एड को, ठीक है, एड को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ। तो मैंने इनके कॉपी कर लिया टाइटल को, टाइटल यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लेना है। सबके फोन में नोट्स होता है, आप अपना सर्च करके देख लेना, नोट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो नोट्स पे जैसे क्लिक करोगे इस टाइप के यहाँ पर नोट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली से इनके मतलब कि टाइटल को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैक हो जाना है और उसी YT टूल वाले ऐप में आ जाना है। जैसे आप YT टूल वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पर देख सकते हो कॉपी डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है, डाउनलोड थंबनेल आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी हैशटैग। तो मैंने यहाँ पर इनके कॉपी हैशटैग को कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी ऑल हैशटैग का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इनके हैशटैग को। हैशटैग को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नोट्स पे आ जाना है। नोट्स पे आने के बाद नीचे मैं थोड़ा चला जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने पहली शॉर्ट वीडियो का इनका टाइटल और हैशटैग कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कीवर्ड्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने सारे कीवर्ड लगे हैं। तो आपको फिर से सिंपली से कॉपी ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पर उनके पूरे कीवर्ड दोस्तों जितने हैं वो दोस्तों कॉपी हो जाएंगे। कॉपी होने के बाद दोस्तों आपको फिर से दोस्तों नोट्स पे आ जाना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो, कहीं मत जाना दोस्तों, वीडियो आपसे आपकी वायरल होगी। अगर आपके 100 से 200 व्यूज आते हैं ना आपके दोस्तों, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके 2-3-5 हजार व्यूज आराम से आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके 2-3 हजार व्यूज आना स्टार्ट होंगे तो दोस्तों आपकी वीडियो फिर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फिर वीडियो मिलियन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, 10 हजार व्यूज जाएगा, फिर 5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा। इस टाइप से आपकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होगी। तो समझना दोस्तों इनका सारा लो, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में अभी बिल्कुल अपलोड हुई है। मैं टाइमिंग भी दिखाऊंगा इनकी वीडियो कितने टाइम अपलोड हुई थी, अभी रिसेंटली में एक दिन भी नहीं हुआ होगा तब दोस्तों इनका तुरंत ट्रेंडिंग में आ चुका है वीडियो। दोस्तों मैंने इनका कीवर्ड भी दोस्तों सिंपली से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा फिर से यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आने के बाद दोस्तों इनका पहला काम तो हो गया, जो पहले नंबर पर ट्रेंडिंग वीडियो थी मैंने उनका तो कॉपी कर लिया, टाइटल से लेके कीवर्ड से लेके टैग तक। अब दूसरी वीडियो आपको दिख रही होगी, तो दोस्तों यहाँ पे 3.3 मिलियन व्यू गया इसमें। दोस्तों ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो वीडियो होती है, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ इस वीडियो का, जो मैंने पहली वीडियो का कॉपी किया था सब कुछ, 2 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर अपलोड हुआ, एक दिन हुआ है मात्र। आज 3 जनवरी है, आज 3 जनवरी 2024 है, आज मैंने शूट कर रहा हूँ वीडियो को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितने रिसेंटली की वीडियोज हैं ये, और देखो वायरल है। तो आप लोग भी इनका सारा लो। यहाँ पर मैं दूसरी शॉर्ट वीडियो पे आ चुका हूँ और आपको सिंपली से इसमें भी यही काम करना है, शेयर करके कॉपी लिंक पे क्लिक करना है।
जैसे आप कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फिर से YT टूल ऐप को ओपन कर लेना है और इस जो मैंने आपको ये लिंक दिखाया था ना इसको आपको हटा देना है, जो पहले वाली वीडियो का लिंक यहाँ से ऐसे क्लिक करना है, हटा देना, ठीक है। हटाने के बाद दोबारा आपको यहाँ पर पेस्ट करना है दूसरी वीडियो का लिंक जो दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रही है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो को नहीं करना है। लॉन्ग वीडियो करोगे तो वीडियो कभी वायरल नहीं होगी, शॉर्ट्स का ही एल्गोरिथम यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर फिर से आपको गो पे क्लिक कर देना, गो पे क्लिक करने के बाद जो मैंने बताया था वही चीज करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से इनके फिर से कॉपी टाइटल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं नोट्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पर इनके टाइटल को लिख देता हूँ। यहाँ देखिए हिंदी में टाइटल है वो भी कॉपी हो चुका है, कितना अच्छा है दोस्तों ये ऐप, मजा आ गया दोस्तों। आप लोग हिंदी में नहीं लिख पाते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से इनका कॉपी ऑल हैशटैग को यहाँ पर कॉपी कर लेना, जितने भी हैशटैग है मैंने यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लिया पूरे हैशटैग को। फिर से मैं नोट्स पे आ गया हूँ, नोट्स पे आने के बाद फिर से मैंने इनके हैशटैग को कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद पेस्ट भी कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको वापस से YT टूल वाले ऐप में चले आना है। फिर से आपको यहाँ पर कीवर्ड दिखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड डाला ही नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ इन्होंने देखिए उन्होंने पहले नंबर पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड सब कुछ हैशटैग डाला था तो भाई की वीडियो सर्च पे भी गई होगी, तो उन्होंने कीवर्ड लगाए थे, इन्होंने नहीं के लगाए तो इनके दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों ये चीज लगाने से आपको फायदा मिलता है। अब लोग कहते हैं कि ऐसे भी वायरल हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपको अगर अपनी वीडियो को वायरल करना है तो तरीके को फॉलो करना पड़ता है, तो उस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज मैं कह रहा हूँ वो चीज आपको फॉलो करना है। सिंपली से आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ये सब नोट्स पे लिखने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे आ जाना है, यहाँ पर अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड है वीडियो का एक ऑप्शन दिखेगा। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार मैं किससे अपलोड करूँ, क्रिएटर शॉर्ट से करूँ या फिर अपलोड है वीडियो से करूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपलोड है वीडियो से करना, क्योंकि मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी 2.3 मिलियन व्यू गया था उसमें भी दोस्तों मैंने अपलोड है वीडियो से अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया था। तो मैं कोई भी वीडियो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एक ये वीडियो है 9 सेकंड की, ठीक है। मैंने इसको दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आएगा चीजों को फॉलो करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एड साउंड का, एड साउंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली से, ठीक है। और आपको फॉलो वही करना जो चीज मैं बताऊं, वीडियो वायरल करा ले जाओगे, एक बार में वीडियो वायरल होगी और सब्सक्राइबर्स आपके लाखों बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप एड साउंड पे क्लिक करोगे यहाँ पर 3 सॉन्ग आपको YouTube खुद रिकमेंड करेगा, आप जब अपना डालोगे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो आपके में और कोई सॉन्ग दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मिलियन शॉर्ट्स बन चुके हैं इसमें 1,28,000 ये अभी चालू हुआ वायरल होना, इसमें देखिए 3,60,000 शॉर्ट्स वीडियोस बन चुकी हैं, तो ये अभी चालू हुई हैं, ये ट्रेंडिंग में चल रही हैं, YouTube खुद आपको रिकमेंड कर रहा है इस पे बनाओ। तो आपको अपने म्यूजिक नहीं डालना है, म्यूजिक हट जाएगा बाद में, कैसे हटाना वो भी बताऊंगा, आपका ओरिजिनल ऑडियो रहेगा जो आपने एडिटिंग करते समय किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली से ये पहले नंबर पे आपको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है और इस सॉन्ग को ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ पर आपको सिंपली से रुको मैंने गलती नहीं की है, यहाँ पर आपको जैसे ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद एक ऑप्शन ऊपर दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर सर्कुलर टाइप का, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, आपकी ओरिजिनल ऑडियो रहेगी और म्यूजिक आप यूज कर लोगे क्योंकि यूट्यूब उन म्यूजिक को रिकमेंड कर रहा है, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी आप सोच रहे हो कि ओरिजिनल वीडियो मैंने तो और कुछ लगाया, तो यहाँ देखिए ओरिजिनल साउंड का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको 100 कर लेना है, जो आपकी वीडियो में साउंड होगा वो यही रहेगा और जो म्यूजिक वाला साउंड है वो भी 100 है, तो इसको आपको 0 कर देना है, तो आपकी ओरिजिनल ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वो म्यूजिक भी ऐड रहेगा। तो एक तीर दो निशाने वाला काम हो गया, ठीक है, म्यूजिक भी यूज कर लिया, यूट्यूब वाला जो कह रहा है कि इस पे बनाओगे तो वायरल हो जाएगा, तो वीडियो भी वायरल होगी और आपका वॉइस भी रहेगा, म्यूजिक डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब आपको सिंपली से यहाँ पर एक पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, अब आपको अपने एडिटिंग के टाइम एक थंबनेल को दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है, थंबनेल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आपको कोई अट्रैक्टिव पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जितना आपको अट्रैक्टिव पार्ट यहाँ दिख रहा हो, तो यहाँ पर मेरा ये अट्रैक्टिव पार्ट है तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इस टाइप से आप एडिटिंग के टाइम थंबनेल को बना सकते हो, 1 सेकंड का ऐड कर सकते हो और बाद में आपको इसी टाइम पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐड किया है, ठीक है।
फोटो आपको एक एक दिखेगी, ठीक है, तो ऐड कर लेना, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल होगी, लोगों के पास जब जाएगी तो आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव आपका थंबनेल दिखेगा शॉर्ट्स का, तो लोग क्लिक करने में मजबूर हो जाएंगे अगर आपने थंबनेल अट्रैक्टिव बनाया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टाइटल की बारी आ गई है। टाइटल पे आपको दोस्तों क्या करना है, आपको मैंने बताया था नोट्स पे मैंने आपको कुछ हैशटैग बताए थे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग नंबर वन पे जो हैशटैग है ना, आपको यहाँ पर इनको यूज नहीं करना है, इनको बाद में यूज करना है, जो आप तुरंत जाओ और इनको यूज कर लो, जो आपका टाइटल हो उसको आपको पहले सिंपली से लिख देना, जैसे कि मेरा टाइटल है मैं लिख देता हूँ फूड ब्लॉग, ठीक है, फूड ब्लॉग, फूड शॉर्ट्स, ठीक है, मैं इतना लिख देता हूँ फूड शॉर्ट्स, मैं खाने के ऊपर मतलब डाल दे रहा हूँ शॉर्ट्स, तो यहाँ पर आपको फूड शॉर्ट्स है। अब आपको सिंपली से गूगल पे आ जाना है, ठीक है, गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सर्च वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूड ब्लॉग्स के नाम से मैंने शॉर्ट्स बनाया है, तो फूड शॉर्ट्स कीवर्ड्स यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है, हैशटैग सर्च कर देता हूँ, हैशटैग करो चाहे शॉर्ट्स करो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट एक दिख जाएगी, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, मेरा क्रोम में रन करवाता हूँ इसको मैं, ठीक है, ऑलवेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिएगा ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको आपको अच्छे से अच्छे हैशटैग मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे हैशटैग यहाँ पर मिल चुके हैं, यहाँ पर आपको सिंपली से तीन हैशटैग को कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने तीन हैशटैग को आराम से कॉपी कर लिया, तीन से चार हैशटैग को। अब आपको यहाँ से कॉपी करने के बाद ये ट्रेंडिंग है अभी चल रहे हैं, तो आप लोग हमेशा आके देख लिया करो, जो भी आपका टाइटल हो उसको सर्च करके गूगल पे हैशटैग निकाल लिया करो, ठीक है। अब आपको सिंपली से यहाँ पर कॉपी कर देना जो मैंने हैशटैग लगाए थे, उसको लगाने के बाद आपको अब अपने तरफ से दो हैशटैग और लगाने हैं, जो मैं बताऊँ वो वाला लगाना, शॉर्ट्स SHORTS, देख सकते हैं 791 मिलियन लोगों ने यहाँ पर इन हैशटैग को यूज किया है, शॉर्ट वीडियोस के नाम से एक हैशटैग है, 68 मिलियन लोगों ने किया है, 49 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन, 3.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, मतलब इतने सारे हैशटैग हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग है, तो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद विजिबिलिटी पे जाके अनलिस्टेड अपलोड करना अपनी शॉर्ट वीडियो को, सिलेक्ट ऑडियंस पे जाके आपकी अगर बच्चों वाली हो तो यस कर देना, अगर नहीं है 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वीडियो दिखाना चाहते हो तो नो पे क्लिक कर देना, नो पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देना है, अपलोड आपकी अनलिस्टेड में होगा, अभी कुछ ना करना, अभी मेन काम रह गया, मेन पार्ट रह गया है, अभी अपलोड किया है मैंने और शॉर्ट वीडियो आपके एनालाइज करेगा यूट्यूब और आपकी वीडियो दोस्तों उनके पास रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, अभी बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना जाना, अभी बहुत मेन काम करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो जो चीजें वो आपको फॉलो करना, आपको अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना दोस्तों, ठीक है, दोस्तों मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है, ठीक है, और आपको यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना, जो आपने शॉर्ट वीडियो अभी अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि मेरी 31 सेकंड पहले यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, अनलिस्टेड में मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, नोट्स वाले जहां पर मैंने नोट करवाया था टाइटल कुछ, उसको आपको सिंपली से यहाँ पर पूरा टाइटल को कॉपी कर लेना, जितना मैंने दो शॉर्ट वीडियो का पूरा टाइटल कॉपी हैशटैग जितना कीवर्ड ईवर्ड वगैरह हैशटैग जितना सब का पूरा यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के बाद दोस्तों आपको अपने इस टाइटल को भी जो आपका मेन टाइटल जो है वीडियो का उसको भी आपको यहाँ पर सिंपली से पहले नंबर पे लगा देना है, तो मैं भी यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जिस यूट्यूबर की पहले नंबर पे ट्रेंडिंग कर रही थी शॉर्ट यूट्यूब पर, जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर की कर रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ, ट्रेंडिंग में चला जाता हूँ, ट्रेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से ये चैनल है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैं इनका चैनल को मेंशन करता हूँ इनके टाइटल में, अपने टाइटल में मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ इनको, जिससे कि दोस्तों हमें बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, टाइटल में कर लो चाहे डिस्क्रिप्शन में कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कर लेता हूँ, टाइटल में भी आप कर लेना, तो मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से यहाँ पर चैनल आ चुका है, मैंने इनको मेंशन कर दिया है, मेंशन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से जो सो है हाउ मेनी व्यूवर लाइक दिस वीडियो, आपको इसको हटा देना है, लाइक का ऑप्शन हटा देना है, जिससे कि लोगों को ज्यादा लाइक ना दिखे कि आपका 2 से 3 लाइक आ रहा है, जिससे कि लोगों को दिखेगा हजारों में लाइक आ रही, तो इसलिए आपको यहाँ पर आपको इसको हटा देना है, हटाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से आपको अपनी वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक कर देना है, पब्लिक जैसे करोगे आप अपनी वीडियोस को दोस्तों आपकी वीडियो दोस्तों इनके पास इनकी ऑडियंस के पास मिस्टर इंडियन हैकर और जो सेकंड नंबर पे ट्रेंडिंग जो वीडियो गई थी, ठीक है, उन लोगों की ऑडियंस के पास उनकी वीडियो जाने लगेगी आपकी वीडियो, और आपकी वीडियो में अगर 200 से 300 व्यूज आता है तो उनकी आपकी वीडियो में 2 से 4 हजार
5,000-10,000 व्यूज आना आराम से स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज आपको भाई रेगुलर फॉलो करना है, अगर रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो दोस्तों वीडियो वायरल नहीं कर पाओगे। एक दिन से आप लोग अपनी वीडियोस को वायरल नहीं कर पाओगे कि एक ही दिन मैंने फॉलो कर लिया वीडियो वायरल हो जाए, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, आपको 10 से 15 दिन फॉलो करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। अगर रेगुलर काम करोगे तभी शॉर्ट वीडियो वायरल करा पाओगे, वरना कभी शॉर्ट वीडियो को वायरल नहीं कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। लगभग दोस्तों मेरी वीडियो 19 से 20 मिनट की शूट हो चुकी है, तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।